दोस्तों, जब भारत में फिल्में बनना शुरू हुआ तो कोठी की वैश्य और तवायफों ने भी फिल्मों में काम करने से मना कर दिया था, और फिल्मों में काम करना वैश्यावृत्ति से भी नीच काम समझा जाता था। बॉलीवुड के शुरू होने के बाद और 80-90 के दशक तक फिल्मों में काम करने वाले 80% कलाकारों का बैकग्राउंड कोठे या फिर तवायफों के कोठे से होकर गुजरता था। ये और बात है कि फिल्मों में आने के बाद इन्हें हीरो कहा जाने लगा। 1990 और 2000 के बाद में अच्छे परिवारों के बच्चे भी यहाँ पर करियर बनाने लगे, लेकिन कोयले की दलाली में हाथ काले न हो ऐसा हो ही नहीं सकता, इसलिए अच्छे घरों के बच्चे भी यहाँ आकर इसी गंदगी का हिस्सा बनने लगे और उसी की तरह काम करने लगे। पुराने समय में नाम कमा चुके और आज महान बने बैठे कितने लोगों का इतिहास इतना काला है कि वो कभी भी सामने आ ही नहीं पाता। दोस्तों, आज हम जिस महान फिल्मी हस्ती की बात करने वाले हैं वो है महान ठर की फिल्म मेकर महेश भट्ट के पिता नाना भाई भट्ट। महेश भट्ट के विवादों से चोली दामन का साथ रहा है। दो दो शादियां करना, खुद की बेटी को लिप लॉक करना और ये कहना कि वो मेरी बेटी ना होती तो मैं उससे शादी कर लेता, ये दिखाता है कि महेश भट्ट अपनी बेटी को किस नजर से देखता है। इस सब के बावजूद ढेर सारे अफेयर्स रखना, वो भी छोटी छोटी उम्र के नई एक्ट्रेस के साथ में, मतलब महेश भट्ट एक गंदी मानसिकता की पैदाइश है। लेकिन सवाल ये है कि कोई भी इंसान इतनी गंदी सोच कैसे रख सकता है? लेकिन इंसान की सोच इस बात पर निर्भर करती है कि वह कैसी फैमिली से बिलोंग करता है। इसी को जानने के लिए महेश भट्ट के पिता यानी कि नाना भाई भट्ट के बारे में जानना बहुत ही जरूरी है। दोस्तों, महेश भट्ट के पिता नाना भाई भट्ट उर्फ यशवंत भट्ट उर्फ बटुक भट्ट 1940 और 50 के दशक में एक बहुत बड़े डायरेक्टर थे। उन्होंने एक फिल्म प्रोड्यूस भी की थी और 3 से 4 फिल्में उन्होंने खुद लिखी भी थी। नाना भाई भट्ट का जन्म जून 1915 को पोरबंदर गुजरात ब्रिटिश भारत में हुआ। माँ कोठे पर तवायफ थी और पिता वहां पर दलाली का काम किया करते थे। दलाली करते करते दोनों के बीच अफेयर हुआ, फिर कुछ समय के बाद नाना भाई भट्ट का जन्म हुआ। शुरुआती पालन पोषण उसी तवायफों की गंदी गली में हुआ। फिर एक समय ऐसा आया जब नाना भाई भट्ट की माँ कोठे से रिटायर हो गई और वहीं पर खुद दलाल बन गई। तवायफ रिटायर तब होती हैं जब जिस्म की खूबसूरती खत्म हो जाती है। नाना भाई भट्ट के माता पिता ने शादी नहीं की थी, लेकिन वो साथ में रहते थे। नाना भाई की पढ़ाई लिखाई बहुत ज्यादा नहीं हो पाई थी क्योंकि वो ऐसी जगह पर रहते थे जहां बच्चे बड़े होकर दलाल बनते थे। लेकिन नाना भाई को फिल्मों का बड़ा शौक था और यही वजह रही कि 24 साल की उम्र में उसने घर छोड़कर बम्बई आ गए और यही स्ट्रगल करना शुरू कर दिया, जहां पर उसका बड़ा भाई पहले से ही काम करता था। वह फिल्मों में असिस्टेंट डायरेक्टर का काम किया करता था। भाई के पास आने यानी कि बम्बई आके नाना भाई ने साउंड रिकॉर्डिस्ट के रूप में काम करना शुरू कर दिया। इसके कुछ समय के बाद इन्होंने अपने भाई की कहानी लिखने में भी मदद की। खुद तो लिखना पढ़ना ज्यादा जानते नहीं थे, लेकिन कहानी लिखने में अपने भाई की मदद किया करते थे। साल 1942 में खुद से पहली बार एक पूरी कहानी लिखी। फिल्म का नाम था बाबू भाई मिस्त्री, इसके बाद में मुकाबला और इसी के जैसी और 4-5 स्टोरी लिखी और यहां से इनका करियर एज ए राइटर शुरू हो गया। उस वक्त नाना भाई ने अपना फिल्मी नाम रखा था बटुक भट्ट। इसके बाद 1947 में मौज फिल्म में असिस्टेंट डायरेक्टर बने। इसके बाद बटुक भट्ट ने हंटर वाली की बेटी, सुधार, इसके साथ ही 2-3 फिल्में और डायरेक्ट की। साल 1946 में खुद का प्रोडक्शन हाउस खोल लिया और नाम रखा दीपक पिक्चर्स। नाना भाई ने 100 से भी ज्यादा फिल्में बनाई और फिल्मों में जो डबल रोल वाले कैरेक्टर जो आज की डेट में हम देखते हैं, इनको पहली बार बनाने का श्रेय जो जाता है वो नाना भाई भट्ट को जाता है। नाना भाई की शादी हेमलता से हुई थी। नाना भाई की शादी के समय उनका नाम यशवंत भट्ट था, लेकिन बाद में उनका नाम नाना भाई भट्ट लिखा जाने लगा। नाना भाई अपने समय में बहुत ही अय्याश और दिल फेक इंसान माने जाते थे। शादी और बच्चे होने के बाद उनका अफेयर चला शिरीन मोहम्मद अली के साथ में। शिरीन मोहम्मद अली एक एक्ट्रेस थी जो बहुत ज्यादा सक्सेस तो नहीं थी, लेकिन वो एक्टिंग किया करती थी। खैर, नाना भाई और शिरीन का अफेयर हो गया और उसके प्यार के किस्से पूरे इंडस्ट्री में मशहूर होने लगे। उस समय तक नाना भाई 5 बच्चों के पिता भी बन चुके थे, जो कि उनकी पहली पत्नी हेमलता से थे।
नाना भाई और शिरीन के प्यार ने इतनी खामोशी से मेहनत की कि महेश भट्ट के नाम की सफलता ने चारों तरफ तहलका मचा दिया। मतलब बिना शादी के महेश भट्ट पैदा हो गए। इसके बाद नाना भाई की पहली वाइफ को पता चला तो घर में कोहराम मच गया और मजबूरी में नाना भाई को शिरीन से रिश्ता तोड़ना पड़ा। सब कुछ शांत हो गया था, लेकिन तभी शिरीन ने मुकेश भट्ट नाम का एक और तोहफा दुनिया वालों को दे दिया। तब पता चला कि नाना भाई ने मेहनत करने में कभी आलस नहीं की और वो चोरी छिपे लगातार मेहनत कर रहा था। नाना भाई के अय्याशी से शिरीन ने दो बच्चे को पैदा किया। तो दूसरी तरफ नाना भाई ने अपनी पहली पत्नी हेमलता को भी कभी भी खाली पेट नहीं रहने दिया। 5 बच्चे पहले से ही थे और 2 बच्चे और पैदा हो गए। इस तरह पहली वाइफ से टोटल 7 बच्चे पैदा हुए, 5 बेटियां और 2 बेटे, 7 वो और 2 ये, यानी कि टोटल 9 बच्चों का उत्पादन नाना भाई के कर कमलों द्वारा हुआ। नाना भाई ने कभी भी शिरीन मोहम्मद से शादी नहीं की और वो हमेशा नाना भाई के रखेल के रूप में बॉलीवुड में फेमस रही। नाना भाई ने भी बस बच्चे पैदा किए और उनकी कभी कोई जिम्मेदारी तक नहीं उठाई। इस बात को महेश भट्ट अपने कई इंटरव्यूज में बोल चुके हैं कि उसके पास उसके फादर का दिया हुआ सिर्फ एक सरनेम है। शिरीन मोहम्मद की बहन मेहरबानो भी फिल्म एक्ट्रेस थी जिन्होंने पूर्णिमा के नाम से फिल्मों में काफी ज्यादा काम किया था। इमरान हाशमी उन्हीं पूर्णिमा का पोता है। नाना भाई ने शिरीन को सिर्फ अपनी हवस मिटाने के लिए रखा हुआ था, उससे बच्चे हुए तो उनका कभी ध्यान नहीं रखा। महेश भट्ट और मुकेश भट्ट को अपने बचपन में हजारों बार नाजायज औलाद के ताने सुनने को मिलते थे और ये बात हमेशा महेश भट्ट अपने इंटरव्यूज में बोलते रहते हैं। लेकिन शिरीन मोहम्मद ने कभी भी किसी की परवाह नहीं की और वो नाना भाई के साथ बंद कमरे तक ही सीमित रही। नाना भाई ने शादी करने को कहा और न ही शिरीन मोहम्मद ने। हाँ, नाना भाई का एक फायदा यह हुआ कि महेश और मुकेश को अपने बाप का सरनेम मिल गया, भट्ट। इसकी वजह से उन्हें बॉलीवुड में आसानी से काम मिलता चला गया था। महेश भट्ट का ये जो नाम है, महेश खुद नाना भाई ने रखा था, लेकिन महेश को कभी भी अपना नाम पसंद नहीं आया। वो चाहता था कि उसका एक मुस्लिम नाम हो। महेश की इच्छा पूरी तब हुई जब उसने अपना धर्म चेंज करके अपना नाम रखा असरफ भट्ट। सोनी राजदान जो कि एक दूसरी वाइफ है, आलिया भट्ट की मदर हैं। उसने भी अपना धर्म चेंज करके इससे शादी की थी, नाम रखा था शकीना। 1986 में इन दोनों ने शादी के समय अपना धर्म चेंज किया था। नाना भाई अपने समय में अय्याश थे, नाजायज बेटों को पैदा करके छोड़ दिया, तो वैसे ही सोच महेश भट्ट की भी रही है। न बाप को रिश्तों की कदर थी और न ही खुद महेश भट्ट को है। महेश भट्ट ने जब फिल्मों में अपना करियर बना लिया तो उसने अपनी मां को नाना भाई से अपना रिश्ता तोड़ने को बोल दिया था। नाना भाई की मौत 1999 में हुई थी और आखिरी के 20 से 25 सालों में नाना भाई और शिरीन मोहम्मद में ना तो ज्यादा मुलाकातें हुई और ना ही इनका कोई रिश्ता रहा, क्योंकि जो शारीरिक भूख थी वो बाद के सालों में उतनी नहीं रही जितनी जवानी में थी। उन दोनों का रिश्ता बस इतना ही रहा कि बंद कमरों में एक दूसरे की हवस को शांत करते थे और फिर अपने अगले मिलन तक अनजान बन जाते थे। पहले के समय में रोकथाम के कोई साधन तो थे नहीं और यही वजह रही महेश और मुकेश के रूप में 2 अनमोल रत्न मिलने के। शिरीन मोहम्मद एक एक्ट्रेस थी, उन्होंने बहुत ज्यादा फिल्मों में काम नहीं किया था। कुछ फिल्मों में काम करने के अलावा वो एक फ्लॉप एक्ट्रेस रही थी। इसी वजह से उन्होंने नाना भाई की रखेल बनकर पूरी जिंदगी गुजार दी और इसका सबसे बड़ा कारण ये था कि उन्होंने जिंदगी गुजारने के लिए नाना भाई से फाइनेंशियली सपोर्ट मिलती रही थी। उन्होंने कभी कोशिश ही नहीं की कि बच्चों को उनका हक दिलाया जाए। शायद नाना भाई और शिरीन के बीच में पहले से ही तय हो गया था कि तुम मुझे खुश रखो और बदले में मैं तुम्हें पैसे देता रहूंगा। ये भी एक कारण था कि नाना भाई ने कभी भी अपने बच्चों को यानी कि महेश और मुकेश को बाप की तरह ना तो समय दिया और ना ही प्यार और ना ही इज्जत दी, जबकि पहली बीवी के जो 7 बच्चे थे उनको खूब प्यार दिया, अच्छे से उनका पालन पोषण किया। नाना भाई एक अय्याश और एक ठरकी फिल्म मेकर थे। उनके माँ बाप वैसे खुद गंदगी का हिस्सा थे और उसने खुद भी महेश और मुकेश के रूप में उसी गंदगी को आगे बढ़ा दिया। नाना भाई भट्ट खुद जितनी गंदी सोच वाला इंसान रहा है उसी सोच को महेश भट्ट ने आगे बढ़ाया और बेटी तक को नहीं बख्शा।
परिवार और परवरिश का असर हमारी सोच पर हमेशा दिखता है, लेकिन अगर इंसान अपनी सोच बदलना चाहे तो कोई मुश्किल काम भी नहीं होता। महेश भट्ट खुद कहता है कि वो एक मुस्लिम औरत की नाजायज औलाद है जिसने बिन शादी के उसे पैदा कर दिया। मतलब खुद महेश को भी एहसास है और ये समझ है कि वो नाजायज है, लेकिन बावजूद इसके महेश ने अपनी गंदी सोच को अपने से दूर नहीं किया। इसके अलावा इसका भाई मुकेश भट्ट, उसकी फिल्मों को देखकर कोई भी बता देगा कि ये दोनों भाई एक ही जैसे सोच रखते हैं। अश्लीलता और अंडरवर्ल्ड, यही सब इनकी फिल्मों की थीम होती है। हाँ, मुकेश भट्ट शुरू में कुछ अच्छी फिल्में बनाई थी, लेकिन ज्यादातर वैसे ही फिल्में बनाई हैं जैसे कि इनके माँ बाप की असल कहानी थी। नाना भाई भट्ट और शिरीन मोहम्मद ने बंद कमरे में जो नींव रखी वो आज भी देश में उसी गंदगी को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। महेश भट्ट के बाद पूजा भट्ट इस परंपरा को आगे बढ़ा भी रही हैं और ये उसकी फिल्मों से साफ दिखने भी लगा है। यानी कि ये लोग कोठे और तवायफों के गली से निकलकर भले ही आज की डेट में आलीशान बंगलों में रहने लगे हों, भले ही आलीशान जिंदगी जीते हों, लेकिन सोच अभी भी कोठे वाले ही पकड़ के बैठे हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपका क्या कहना है नाना भाई भट्ट और मुकेश भट्ट, महेश भट्ट के बारे में, आप कॉमेंट करके जरूर बताना।